हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बॉक्स प्लेटेड शरारा कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक है जो एक एडल्ट के लिए शरारा बनाने के लिए सफिशिएंट है। तो मैं कटिंग के दौरान या ड्राफ्टिंग के दौरान आपको नाप लेना बताते रहूँगी। तो सबसे पहले ये फैब्रिक मेरा 2 लेयर्स में रखा हुआ है, तो हम टॉप से अपनी बेल्ट का मेजरमेंट छोड़ेंगे, वो होगा 1.5 इंच, और उसके बाद लेंथ में लेंगे नी लेंथ प्लस 1 इंच। नी लेंथ है हमारी 18.5, तो 18.5 प्लस 1 आ जाएगा 19.5 इंच। अब मैं यहां से ऊपर से बेल्ट का मार्क छोड़ते हुए 19.5 इंच पर मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। उसके बाद ओपन पार्ट से विड्थ में लेंगे हिप का 1/3 इंच। ये हम अपना फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो यहां पर हम हिप का 1/3 इंच लेंगे। हिप है हमारे 46 इंच, उसका 1/3 हो जाएगा 15.5 इंच के अप्रोक्सीमेट, तो हम यहां से 15.5 इंच का मार्क लगाएंगे। और इस बॉटम लाइन पर भी हम 15.5 इंच का ऐसे मार्क लगा लेते हैं। अब यहां से हम अपना 1.5 इंच बेल्ट के नाम का छोड़ेंगे और अपनी फ्रंट क्रॉच लेंथ का मार्क लगाएंगे। फ्रंट क्रॉच लेंथ है हमारी 10.5 इंच। अब हम इस मार्क को यहां से भी ऐसे 15.5 इंच का क्रॉस देंगे और इस मार्क को ऐसे ऊपर साइड मिला देंगे। उसके बाद हम, क्योंकि हमारी कमर होती है पतली, तो हम यहां से लगभग 1.5 इंच कम मार्क लेंगे, 15.5 से 1.5 इंच का, और इस मार्क को हम ऐसे स्लांट मैनर में मिला देंगे। उसके बाद हम यहां पर हमारी थाई राउंड भी आएगी और यहां पर हमारी नी राउंड आएगी। तो हमने ये जो 15.5 इंच का मार्क लगाया है, इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब इस सेंटर से हम अपनी नी राउंड का मार्क लेंगे। नी लेंथ के इस सेंटर मार्क से हम इस साइड लेंगे अपने नी राउंड का 1/4 प्लस 1 इंच, और उतना ही ऑपोजिट साइड भी लेंगे। नी राउंड है हमारी 18, उसका 1/4 हो जाएगा 4.5 प्लस 1 आ जाएगा 5.5 इंच। और इधर भी हम उतना ही लेंगे, यानी कि 11 इंच भी आ जाएगा। अब ये हमारी नी राउंड का मार्क आ गया। अब हम अपर साइड तो ऐसे वैसे स्लांट मैनर में लाइन लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां से थाई का भी लेंथ लेंगे और उसका भी मार्क लगाएंगे दोनों साइड। थाई लेंथ है हमारी 11.5 इंच, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12 इंच। और यहां से इस सेंटर लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, और यहां पर हम लेंगे थाई राउंड का 1/4 प्लस 1 इंच। थाई राउंड है हमारी 24, उसका 1/4 हो जाएगा 6 प्लस 1 आ जाएगा 7 इंच। और इधर हमारा आना चाहिए 14 इंच। अब हम इन मार्क्स को ऐसे यहां तक लाते हुए यहां तक मिला देंगे, और इसी प्रकार इधर वाले मार्क को हम इस मार्क से मिलाते हुए थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। अब हमारी कटिंग इस इनर लाइन स्लांट वाले से ऐसे
और ऐसे ऐसे और ऐसे कट जाएगी। फ्रंट पार्ट की ये कटिंग करने के बाद मैं इसी को दोबारा फैब्रिक पर एडजस्ट करती हूं और आपको बैक पार्ट की कटिंग बताती हूं। फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट को हम टॉप से 5 इंच छोड़ते हुए रख लेते हैं और उसके बाद हम विड्थ में इससे लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाते हैं और इसको हम अपर तक ऐसे लगा देंगे मार्क को। और उसके बाद हम यहां से भी 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क देंगे और इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे और यहां से हम इस तक ऐसे धीरे धीरे मिलाते हुए इस मार्क तक मिला देंगे और इसकी साइड साइड में हम लाइन लगा लेंगे। और इधर से भी साइड साइड में लाइन लगा लेंगे। अब हमारा जो बैक आसन होता है वो इस साइड से क्रॉच लेंथ की साइड से हम कुछ नहीं लेते हैं और इस साइड से हम यहां से 1 इंच मार्क लगाएंगे और इसको हम इसके साथ ऐसे स्लांट मैनर में मिला देंगे। इसकी कटिंग जैसे हम प्लाजो कटिंग करते हैं सेम वैसे ही होती है, सिर्फ इसके आसन में थोड़ा सा चेंज होता है। ये हमारी फ्रंट और बैक पीस की कटिंग हो गई है अपर पार्ट की। अब हम बॉटम में जो हमने फ्रिल्स बनाने हैं यानी कि बॉक्स प्लेटेड बनाने हैं वो हम मैं इस फैब्रिक से आपको कटिंग करना बताती हूं। नी लेंथ से नीचे फ्लेयर्स बनाने के लिए हमने रिमेनिंग फैब्रिक को 2 लेयर्स में फोल्ड करके रख लिया है और फ्लेयर्स आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो जितने आपको फ्लेयर्स चाहिए। तो हम इसकी लेंथ नापेंगे, लेंथ होगी जितनी हमारी टोटल लेंथ है उसमें से हम अपनी नी लेंथ तक का फैब्रिक कट कर देंगे और नीचे से फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। हमारी टोटल लेंथ है 36 इंच, उसमें से हमने नी लेंथ यानी कि 18.5 माइनस किया है तो आ गया 17.5 इंच और उसमें मैं 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ तो टोटल हो जाएगा 20 इंच। तो यहाँ से ऐसे ये 20 इंच से थोड़ा सा ऊपर है तो मैं इसको बीच से कट करके अपनी दो लेग्स की फ्लेयर्स कट कर। बॉटम फ्लेयर्स कट करने के बाद अब हम सेम लाइनिंग कटिंग करेंगे। लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर रखकर उसकी साइड साइड में कटिंग करते हैं। ये कटिंग करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। लाइनिंग कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट पीस में प्लेट इंसर्ट करने का मार्क लगाएंगे। उसके लिए पहले हम दोनों साइड सिलाई का मार्जिन का मार्क लगा लेते हैं और इस सेंटर लाइन को आगे तक बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम यहां से यहां तक मेजर करेंगे, ये 13 इंच आया है। अब हमने अपनी वेस्ट का 1/4 इंच का एक मार्क लगाना है। वेस्ट है हमारी 42 इंच,
उसका 1/4 हो जाएगा 10.5 इंच। तो ये जो जितना हमारा बाकी बचा है यानी कि 2.5 इंच, उसका हम हाफ इधर और हाफ इधर इस लाइन पर मार्क लगाएंगे, वो हो जाएगा 1/4 इंच। और लेंथ में हम ये प्लेट लगभग 7 इंच तक मार्क करते हैं और इसको ऐसे और ऐसे। जब हम स्टिचिंग के दौरान इसको इस प्रकार करके प्लेट बना लेते हैं। अब स्टिचिंग में सबसे पहले हम इस मेन फैब्रिक का राइट टू राइट मैच करेंगे और उसके बाद हम लाइनिंग एक पार्ट हम इधर लगा देंगे और एक पार्ट हम बॉटम साइड में लगा करके इसका क्रॉच लेंथ सिलेंगे। इन चारों पीसेस को हम इकट्ठा क्रॉच लेंथ सिल लेते हैं और ऐसा ही हम बैक पीस में भी करेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जॉइन करने के बाद हम इधर भी सिंपल स्टिचिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इस प्लेट को दोबारा से ट्रेस करके दूसरी साइड भी इसको हम ट्रेस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको यहां से ऐसे मार्क करके और यहां तक प्लेट डालेंगे। ये प्लेट डालने मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। ये डालने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। दोनों साइड प्लेट्स डालने के बाद अब हम ये हमारी बैक पीस है, इसको भी हमने लाइनिंग को जोड़ लिया है और इस प्रकार इसको रखेंगे राइट और फ्रंट का भी राइट मैच करेंगे और बॉटम से मैच करते हुए टॉप की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंच तक हम स्टिचिंग छोड़ देंगे यहां से यहां तक, ताकि हम यहां पर बेल्ट लगाएं और यहां पर हम थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं ताकि हमें पहनने में आसानी हो। और राइट साइड में हम बॉटम से ही स्टिच करते हुए टॉप से 1 इंच छोड़ेंगे ऊपर, ताकि बेल्ट लगाने के बाद और वापस इसको फोल्ड करने के बाद हम दोबारा स्टिचिंग करते हैं। अब फैब्रिक पर हम 1.5 इंच हार्ड फ्यूजन पेपर लेंथ में और विड्थ में, जितना हमारा इसमें विड्थ आई है उससे लगभग 3-4 इंच एक्स्ट्रा हम ये कट कर लेंगे और इसको फैब्रिक पर लगा करके बेल्ट बना लेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता रखी है। इसको जॉइनिंग करने के लिए हम फैब्रिक का रॉन्ग और बेल्ट का इस प्रकार ये फैब्रिक राइट वाला ऐसे मैच करेंगे और ये सिंपल स्टिच लगा लेंगे और बाद में इसको इस प्रकार ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको राइट साइड में लेके इस फैब्रिक को फोल्ड करके ये बेल्ट तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें अपनी कंफर्ट के अनुसार इलास्टिक डाल लेंगे बैक वाले पीस में, ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें प्लेट्स डालना बताती हूँ। अपर पोर्शन तैयार करने के बाद अब हम यहां से यहां इस फैब्रिक की लेंथ नापेंगे नी पार्ट की। ये लगभग 21.5 इंच आया है। अब हम ये जो हमारी बॉटम फ्लेयर्स का फैब्रिक है इसको भी हम लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे इस प्रकार से सिंपल। और राइट साइड में अब सबसे पहले हम एक साइड से 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे।
उसके बाद हम 3-3 इंच के मार्क लगाते चले जाएंगे। आप अपने कंफर्ट के अनुसार या अपने फैब्रिक के अनुसार इन मार्क्स को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। मार्क लगाने के बाद हम इस फर्स्ट मार्क को इस प्रकार इसके साथ सेकंड मार्क के साथ ऐसे मार्क करेंगे, मैच करेंगे और यहां पिन अप कर देंगे। उसके बाद हम इस मार्क को ऐसे इसके साथ मैच करेंगे यहां पर, और यहां पर भी इसको पिन अप कर देंगे। ये हमारा इस प्रकार से प्लेट बनेगा। अब हम इस मार्क को ऐसे ऑपोजिट साइड में इस मार्क से पिन अप करेंगे और इसको यहां पिन अप कर देंगे। इसी प्रकार एक दूसरा प्लेट हम ऐसे पिन अप करेंगे, ऐसे ऑपोजिट साइड हम इसको पूरे फैब्रिक को पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हम इसके ऊपर एक स्टिचिंग दे देंगे ताकि हमारी ये पिन्स निकल जाए। पिन अप करने के बाद हम इसको मेजर करेंगे। ये हमारा 21.5 इंच आना चाहिए। अगर ये पूरा कंप्लीट है तो आप इस पर एक स्टिचिंग दे करके इसको फर्मली फिक्स कर सकते हो, और अगर ये कम या ज्यादा है तो आप इस फैब्रिक को कम या ज्यादा करके दोबारा से प्लेट्स पिन अप कर सकते हो। दोनों बॉटम पार्ट्स में बॉक्स प्लेट डालने के बाद अब हम ये अपर पोर्शन लेंगे और ऐसे राइट टू राइट मैच करके इसकी स्टिचिंग कर देंगे, और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे। उसके बाद हम रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार अपनी बॉटम विड्थ फोल्ड करेंगे, और ये दोनों सेपरेटली फोल्ड करनी है। लाइनिंग को हम थोड़ा सा अपर साइड फोल्ड करते हैं और उसके बाद हम साइड में सिंपल एक स्टिचिंग लगा देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये शरारा बनाना पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।